सभी साहब को बुलाई, मैं इनको एतमाद में लेता हूँ। ठीक है ठीक है, मौजूद तय कर दीजिए। हाँ मौजूद तय करा दीजिए, खाना खा मेरे साथ लाइन पर। देखिए हम भी कह रहे हैं मौजूद मुनाजरा वही कह रही थी, बात सब खत्म कर रहा हूँ। आग में समझ, मेरे ऊपर मेहरबानी करें जी। मुस्तफा सिराज ने चाहा तो ये सही हो जाएगा। ये जो हाँ इसका फोन नंबर कमेटी से जो आप दोनों को सदर बनाया गया, आपसे गुजारिश है कि हमने जब बातचीत तय की गई तो उसमें ये लिखा गया था कि मुस्तनद आलिम वही बैठेंगे। अब मुस्तनद आलिम अगर यहाँ पर नहीं है तो आप इसके बाद शराय के मुनाजिरा तय करने के बाद भी जो है मुस्तनद आलिम बैठना है मुनाजिरे के लिए। अब सिर्फ अब हजरत वही बोल रहे हैं मुस्तनद आलिम के लिए जी बोली। आपके क्या कमेटी में है आप? आपकी बात दुरुस्त है जी। अगर ये शरात मुनाजरा तय हो जाता है जी तो इंशाल्लाह ताला जो डेट मिलेगी और जो मौके पर होगा तब हम पहले ही एक दूसरे एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक जी सरन ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको हम एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए, शराय तो भेजो, दौलत साहब गवाह थे। एक मिनट बातचीत हमारी दौलत के सब लोग हम लोग गए थे बातचीत करने के लिए, दौलत साहब भाई जो मौजूद थे, रबी भाई मैं मौजूद थे। बात ये थी शराइत मुनाजिरा तय करने के लिए भी मुस्तनद आलिम दीन की जरूरत है। अब यहाँ शराइत मुनाजिरा तय करने के लिए अब खालिद साहब मुस्तनद आलिम दीन नहीं है हमारे नजदीक, क्योंकि आलिम दीन होने के लिए हमारे नजदीक आज अवाम के नजदीक भी इतनी दूर जो डिस्कशन हुआ वही हुआ सर्टिफाइड स्कॉलर बैठकर बात करें। अगर सर्टिफाइड स्कॉलर बैठकर शराइत मुनाजिरा को बात नहीं कर पाया तो शराइत मुनाजिरा ही मायने नहीं रखे। एक सेकंड, दोनों तरफ से हमने ये तय किया कि दोनों तरफ के उलमा अच्छी बात करेंगे, सुनने के लिए मिलेगा, अच्छी हमारे अंदर जो इल्म में इजाफा होगा। लेकिन क्या है सर्टिफिकेट नहीं है, अगर कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है, पीयूसी नहीं पढ़ा है, डिग्री नहीं पढ़ा है, तो ऐसे लोगों से बात करने का मतलब जी। जो हजरत वाला ने सर्टिफिकेट सामने पेश करी थी, उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं, आप नहीं मानते तो आप कौन सी तरीके की सर्टिफिकेट? दौलत भाई हमारे मदरसे में बखश भाई एक मिनट बखश भाई, मेरी बच्ची ने पीयूसी करा है एसएलसी में, मेरी लड़की ने ये डिप्लोमा लिया है, उसे लाके बैठाऊंगा मैं, अभी आपको दिखा देता हूँ लाके घर से। मेरी बच्ची ने एसएलसी में यही डिप्लोमा किया है। मिसाई साहब आप खुद मुआविने मुनाजरा हैं, मुनाजरे हैं, नहीं आप ही बता दीजिए ना, उस सनद की बुनियाद पर कोई मुस्तनद आलिम दीन हो जाएगा? हाँ आप बता दीजिए, नहीं आप दोनों हजरात तय कर लीजिए कि क्या उस सनद की बुनियाद पर मुस्तनद आलिम दीन कहलाएगा कोई? बस क्या आप इन सनदों की बुनियाद पर काली साहब को मुस्तनद आलिम मानते हैं? आप बस इसका जवाब दे दीजिए, बात आगे बढ़ रहे हैं। आप आपकी सुन रहे ना मेरी बात को? तो खलते खलते मेरा सवाल आपके समझ में आया? भागने वाली बात, काली साहब ने जो दो सनदें दिखाई हैं और बतौर तफसील बतौर विसार हमारे काली साहब ने बताया, और मैं ये भी बता दूं कि ऐसी सनदें मेरे पास एक भी बहुत सारी है अलहमदुल्ला, लेकिन उसके बाद भी मुस्तरद मैंने ऐसे उलमा की बारगाह में बैठ के शरफ तरफ हासिल किया। मिसबाई साहब आपने अशरफिया की चार दीवारी में हासिल किया, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप इन सनदों की बुनियाद पर गाड़ी साहब को मुस्तरद आलिम मानते हैं या नहीं? ये सनद तो अलीमियत की नहीं। हाँ तो अब आगे मौजूद मुनाजरा तय कीजिए, मौजूद मुनाजरा पे आइए। मुमकिन है आपने जो सनदें आपके पास है वो दिया है, इसकी बिना पर शायद आपने आलिम होने का दावा नहीं किया है। अगर ये किया हो तो उसकी सही नहीं होगा। एक बात नहीं हो सकती, एक मिनट मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे। मिसबाई साहब आपने कह दिया, इस बात को मान लिया और रिकॉर्ड है कि ये इन सनद की बुनियाद पर आलिम नहीं है। ये सनद आलिम आखिर हाँ नहीं बात, बस बात तो बड़ा ही अगर अल्फाज की ताबीर बलब से दीगर में बहुत कुछ हो सकता है।
दूसरी बात खुदा शाहिद है तो मैं बात नहीं सुन ले रहा, सुन लीजिए पहले मेरा वक्त में इतनी देर से काम ठीक है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब एतराफ कर लिया इस बात का कि ये मुस्तनद आलिम नहीं है, तो जो इन दोनों हजरात के दरमियान, दौलत साहब के दरमियान और वो उधर बैठे हुए हैं सैयद सज्जाद साहब के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसके खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ गया? दूसरी बात, एक मिनट दो, बस एक सवाल कर रहा हूँ, वक्त ही मेरा है। अब आप वक्त की देखिए, लेकिन अभी अभी मुश्तरक का वक्त चल रहा है क्योंकि अभी दोनों का आप दूसरी बात मुझे अब मुझे ये बताइए कि 4 नंबर में आपने लिखा था, ये हमारी तरफ से नहीं आया, सूफी इस्लामी बोर्ड की तरफ से आया है, मुनाजरा आलिमाना अंदाज पर होगा। शराइत की बात की शर्त है कि नहीं, ये मुनाजरा है कि शर्त है? अच्छा ठीक है, अच्छा दूसरा सुन लीजिए आप कहो मैं हूँ सुना, शराइत मुनाजरा, अब सुन लीजिए मिस भाई साहब, मैं आपको थोड़ी सी वो तवज्जो चाहता हूँ, करो नीज ये लिखा होगा, ये भी आपके पास पहुंचा है और आप जब इस मुनाजरा गांव में आए हैं तो इन दोनों लेटरों को, बल्कि जितने भी लेटर भेजे गए हैं सबको आप तस्लीम करके ही आए हैं, बगैर तस्लीम किए आप यहां नहीं आए हैं, हमने आपकी बात तस्लीम की, आपने हमारी बात तस्लीम की, उसमें सीधा लिखा है, आप कह रहे हैं मुनाजरे की बात है, पहली बात तो ये शराइत मुनाजरा आपने भेजे, मुनाजरा नहीं शराइत, दूसरी बात ये जुमला है शराइत मुनाजरा और वक्त मुनाजरा तरफैन की उलमा ही तय करेंगे, अब तो लफ्ज शराइत मुनाजरा आ गया, अब तो आपको तसल्ली होगी इस लफ्ज से। दूसरी बात ये हमारा लेटर, ये नंबर है आपका लेटर, ये है मुनाजरा आलिमाना अंदाज पर होगा, जब आपने साहब को आलिम नहीं माना इसका मतलब आप अपनी लिखी हुई शर्त को इस वक्त जो है उसके खिलाफ कर रहे हैं। वक्त हमारा काफी अच्छा खासा लग गया इसी बात पर, हम यही साबित करना चाह रहे थे बार बार जो आपसे मुतालबा था, जी आप बोलिए, कुछ मुझे भी दीजिए, आप अपने वक्त में बोले हैं, आप बोलिए, मेरी तरफ से आपको इस वक्त 10 मिनट का टाइम है, आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा, आप लोग भी बोले, आपके साथ जी मुफ्ती साहब, पहले मैं अर्ज कर दूं कि आप अभी आपने फरमाया कि मैंने ये नहीं कहा है कि सहीहुल अस्नाद, फिर आप उसी पर जा रहे हैं, मेरी इस बात पे मौजूए मुनाजरा मैं कह रहा हूँ आप तय कीजिए, इसलिए कि 4 घंटा जो जाय हुआ है इसमें शर्त के खिलाफ हो गया है, तय कर लो, आपने मान लिया कि वो मुस्तनद आलिम नहीं है तो उनसे बात आप क्यों करवा रहे हैं मेरी, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, इसलिए कि शर्त है कि मुस्तनद आलिम होना चाहिए, आप कहो मैं आलिमों में करूँ, नहीं तो ये धोखा दिया गया ना, गैर आलिम को बुला के धोखा दिया गया, सज्जाद ये बात लिखी जाएगी, 4 घंटा हमारा गया, गैर आलिम से बात नहीं होगी, जब 10-10 बार कहा गया है डॉक्टर, 3-3 बार तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे गैर आलिम फोन का रिकॉर्डिंग भी है, गैर आलिम नहीं बात करना, भाई साहब आप इसका इकरार कीजिए कि हम अपने इस लिखी हुई शर्त के खिलाफ कर रहे हैं और हमने इन सारे लोगों का वक्त बर्बाद किया, आप तो आलिम है, अगर अपना है आप तो आलिम, आप तो है आप करो, गैर आलिम को आलिम बनाकर कौम के सामने लेकर आए। अच्छा तो जो बात भाई मैं जो आया हूं इसी मकसद से कि चूंकि शरारत मुनाजरा तय करने में, वैसे मेरी बहुत सी मसरूफियात थी, मेरा भी अपना इदारा है, बहुत जिम्मेदारी सब मसरूफ है, सब हाँ मसरूफ है, सबकी कि मैं ही मसरूफ हूँ, तो सिर्फ इसी मकसद से चूंकि वहां कोई बासनत मुस्तनद होना चाहिए, तो हाँ ये शरारत को तय करने में अब देख लीजिए उसमें कि शरायत भी मुस्तनद ही आलिम तय करेंगे, आलिम आलिम अभी हमने पढ़ा जी जी जी, हमें हमने इसी आलाना जीता बिलहक, आलाना जीता बिलहक जी, तो मैं हम मौजूद हूँ, आपने मान लिया इस बात को कि हमने अपनी लिखी हुई शर्त के खिलाफ 4 घंटा बर्बाद किया है, इल्म से बना है, मुश्तक पर मत जाइए, माखज़े इश्तिकाक पर मत जाइए, मादा इश्तिकाक पर मत जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुबीन पूरे मुताला किया, माखज़े इश्तिकाक से कैसे फरार इख्तियार कर सकते हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक मिनट जब से फरार ना बोले आपके लिए कोई ऐसा नहीं कहेगा, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट, हम आपके लिए बोलते हैं ना, एक मिनट अभी हमारा वक्त चल रहा है, एक मिनट आओ,
इसमें लिखा हुआ है मुस्तनद आलिम नहीं। एक मिनट आप सुनिए, हमारा वक्त चल रहा है, हम नहीं सुनेंगे। अरे आप सुनिए, दोनों में से कोई भी बात कर सकता है। नहीं नहीं, एक मिनट से बात हुई, बहुत अच्छा है। मैं आलिम हूँ, मैं धर्म पा रहा बात करना, ये शराइत के खिलाफ है, आपने खुद लिखा है, हमारा नहीं है। आप कहिए कि हमने गलत लिखा है, शफी साहब इधर आए। आप क्यों असल में मुखालता आप भी देना चाहिए, मुखालता बार बार बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने जितनी बातें कही अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है जी। देखो, गैर मुस्तनद को लाकर बैठा के हमारा वक्त जाया कर रहा आप, हम ये कह रहे हैं आप करो तो मैं जल्दी से समझ लें, क्योंकि अब वो मुस्तनद आलिम नहीं, शब्द के मुताबिक उनसे बात नहीं होगी। तो आप कहिए कि दूसरे साहब आप तैयार हो जाइए बात करने और मौजूद मुनाजरा, ठीक है। देखिए हमारी गुफ्तगू कोई ऐसी नहीं हो रही है जो किसी की शान के खिलाफ। ये आपका है ना, कि आपका है और आप ही तस्लीम कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि आपने भेजा है। तो जब आपने भेजा है तो आप ये इतराफ कीजिए कि मैं इस गलती का इंतकाम कर चुका हूं। मुनाजरा आलिमाना अंदाज पर होगा, मुझे इसका आप जवाब दीजिए। आपने जब खुद एतराफ किया कि नसरात की बुनियाद पर सामने बैठा हुआ फरीक मुखालिफ और मुतकल्लिम में मुखालिफ, संजीदगी से पढ़ा, मैं बिल्कुल संजीदगी से पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, तहम्मुल के साथ, बिल्कुल मकानों तो संजीदगी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फकीर ना कभी घबराता है। मैं थोड़ी आवाज, चौथी जो शर्त आपने लिखी थी हमने नहीं लिखी, ये आपकी तरफ से आई है। चौथी जो बात आपने लिखी है सुनिए, कुछ मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिए। आप हम शर्त तय करने आए हैं, तो अब शर्त तय करना मतलब इससे पहले कोई शर्त नहीं है, शर्त तय करने के लिए बैठे हैं। मिसाई साहब, मैंने आपको लफ्ज़े शराइत मुनाजरा उलमा ही तय करेंगे, ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया, आप बार बार अल्फाज को सुनकर आप कहो ना, मैं आलू हमारा वक्त चल रहा है जी, हमारा। अच्छा ऐसा है, एक मिस भाई साहब, अगर मुस्तनद आलिम की कोई हैसियत न होती, एक मिनट, हमारी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, बस हम आपसे मुखातब हैं इस वक्त, कि अगर इस शर्त को अहमियत इन हजरात ने न दी होती तो ये खुद ही बैठ करके तय कर लेते। बिल्कुल, ये लाखों रुपया खर्च करके, इनका टाइम लेकर के, इनकी तालीम का नुकसान करके क्यों यहां पर बुलाया जाता है? क्या ये लोग खुद नहीं उसको तय कर सकते थे? ये इतनी अहम शर्त है कि जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा हाल बुक किया, लाखों रुपए खर्च किए, उलमा को बुलाया उसी शर्त की बुनियाद पर कि हमको मुस्तनद आलिम चाहिए जी। ये इतनी अहम और बुनियादी शर्त है, चूंकि बहस करने के लिए तो आप लोग रोज आना है, अगर आपस में आप लोगों को बहस करनी होती तो हमको क्यों बुलाते? आपने हमको बुलाया क्या समझ कर? एक मुस्तनद आलिम समझ कर। तो हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो अब तक एक गैर मुस्तनद शख्स से हुई, हमारा वक्त 4 घंटे जाया हुआ, इसलिए मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि जो गलती अब तक हो गई उसको नजरअंदाज किया जाए, और फिर आप अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं बहैसियत मुतकल्लिम तो आपके सदर आपको मुतय्यन कर दें और यह कह दें कि अब तक जिनसे गुफ्तगू हुई वो मुस्तनद आलिम नहीं है, इसलिए बहस में उनकी शिरकत नहीं होगी, हम उनकी जगह पर आपको मुतय्यन करते हैं। आप इसको बोल दें, उसके बाद में गुफ्तगू शुरू हो जाए। सदर बोल जी, दिमाग सही हो गया। आप जब लिखा था, जब भी इन्होंने मुझको तलब किया है, मेरा आना मतलब इस बात की है कि हाँ वो जो है अपनी
बात को मानते हुए इन्होंने अब रही ये बात कि अगर आप मुतकल्लिम मुतय्यन हो गए जी मुतकल्लिम आप मुतय्यन हो गए नहीं जरा बोल दीजिए ना उसको नहीं एक मिनट मैंने सदर साहब से गुजारिश की कौन साहब है आपसे आपसे गुजारिश है मेरी आप नहीं 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 सब लोग उसको सुन लें ताकि वो ऑन रिकॉर्ड रहे और हमारी तरफ कोई ये ना कह पाए जबरदस्ती निस्बत करते हुए कि आपने जबरदस्ती करके ऐसा किया आपस की रजामंदी से बात होगी ना दोनों लोग राजी होकर के जो बात करें तो सदर हाँ मजलिस आप बताते हैं अभी फिलहाल शरायते मुनाजरा तय करने के लिए मैं मुतकल्लिम की हैसियत से हूँ आइंदा जो मुनाजरा होगा उसके लिए चूंकि अभी मेरी मसरूफियत क्या है कब होगा कुछ तारीख मुझे पता नहीं तो मैं अपने को नहीं पेश कर सकता कि आइंदा मुनाजरा के लिए भी मेरी मुतकल्लिम अभी जो गुफ्तगू हो रही है शरायते मुनाजरा के ताल्लुक से उसके लिए मैं मुतकल्लिम की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर जी हाँ। तो अब ये आपकी आपने इसका एतराज कर लिया ये गलती किया भाई शरायते आप मेरे इसकी शर्त थी शर्त हम तय करने बैठे हैं पहले से अगर शर्त होती तो तय करने की जरूरत ही नहीं होती पहले से ऐसी कोई शर्त नहीं उसमें जी शरायत तय करने के लिए क्या आलिम तय करेंगे ये शर्त मुस्तनद उसमें जिक्र नहीं है शरायत तो मैंने नहीं जब तहरीर की उनके नजदीक हैसियत नहीं है तो आप दोनों की बात तो हुई है नहीं आप कहिए ना उनसे सदर साहब से कि मुस्तनद आलिम की शर्त लगी थी कि नहीं सबानी भाई आपके दरमियान सज्जाद भाई के दरमियान ये बात